हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो रैंडम वॉकर है अगर एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अधिकतर केस में हमको टू रैंडम वॉकर से देता है एग्जाम के अंदर। तो इस पर मैंने देखा कि सीएसआर नेट 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है दरअसल, ठीक है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। बट उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट तो जानें कि टू रैंडम वॉकर्स को हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वन रैंडम वॉकर को हम लोग सॉल्व करवा चुके हैं, अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, पता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मालूम है तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी बताया हुआ है, मैंने वीडियो उसके ऊपर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के रैंडम वॉकर देख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, वो 1D के केस में हमने डिस्कस किया है, 2D के केस में डिस्कस किया है, और एक रैंडम वॉकर को लेकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टू रैंडम वॉकर्स। Now two random walkers in 1D and 2D, ठीक है, इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर वन रैंडम वॉकर आता है वन डायमेंशन के अंदर, तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो कि मैं पहले करवा चुका हूँ वो आप लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा P की पावर n1 Q की पावर n2। हो सकता है मैंने उस लेक्चर में NR और NL से इसको डिनोट किया हो, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकिंग टुवर्ड्स द राइट एंड टू द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप उसको उस प्रकार से भी लिखेंगे तो आंसर रिमेन सेम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ, ओके। और इसी फॉर्मूले को मैंने स्मॉल m की टर्म्स में भी बताया था। स्मॉल m था व्हाट इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द रैंडम वॉकर आफ्टर टेकिंग द कैपिटल n नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो उसका जो हमारे पास रिलेशन था, दैट वुड बी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m बाई 2 फैक्टोरियल n प्लस m बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड p टू द पावर n प्लस m बाई 2 एंड q टू द पावर n माइनस m बाई 2। देखो, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं दरअसल, बस इसको हम लोगों ने फाइनल पोजिशन m में रिप्रेजेंट कर रखा है। और यहाँ पर क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं टेकन टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट, इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है। तो वो सिचुएशन पे निर्भर करेगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक रैंडम वॉकर है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलना, और यहाँ पर ही आकर के वो दोबारा से मीट कर जाए आफ्टर टेकिंग एन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। अब अगर वो ओरिजिन पर वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जितने भी राइट स्टेप लिए होंगे उतने ही लेफ्ट स्टेप लिए होंगे, तभी वो ओरिजिन पर बैक आ सकता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो फाइनल पोजीशन होगी स्मॉल m का वैल्यू, दैट शुड इक्वल टू n1 माइनस n2 एंड इक्वल्स टू जीरो। आप इसको nr माइनस nl भी लिख सकते हैं, बिकॉज जितने राइट स्टेप लेगा और जितने लेफ्ट स्टेप लेगा उनका डिफरेंस ही स्मॉल m है यहाँ पर, ओके। तो दैट वैल्यू शुड इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप जीरो पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी p का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n बाय 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से आएगा ना, एंड देन पी की पावर एन बाई 2 एंड क्यू की पावर एन बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द रैंडम वॉकर, ठीक है, इज अगेन मीट एट द ओरिजिन। स्टार्टिंग तो उसने यहीं से की थी ना, तो पहले तो यहीं पे यहाँ पे स्टार्ट किया है। नाउ इट रिटर्न्स टू द ओरिजिन द प्रोबेबिलिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। अब देखो, ये फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था उस क्लास में, तो ये रिकैप है दरअसल, ओके। और अब हम लोग इसको 2D के लिए, यानी टू रैंडम वॉकर्स जो है ना 1D के लिए और 2D के लिए हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है। देखो, अभी 1D का केस लेकर के चल रहे हैं, बट इस बार क्या होगा कि हम लोग दो रैंडम वॉकर ले रहे हैं, टू रैंडम वॉकर्स, ठीक है। अब दो रैंडम वॉकर्स अगर हमारे पास हैं तो इसमें इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत आसान तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक रैंडम वॉकर A है, दूसरा रैंडम वॉकर B है, इसने एक स्टेप लिया, इसने भी एक स्टेप लिया, इसने एक स्टेप लिया, इसने भी एक स्टेप लिया, और कुछ सिचुएशन अगर हमारे पास है तो इस फॉर्मूले को बहुत आसान तरीके से आप जनरलाइज कर सकते हैं। मैं वो कंडीशन बताता हूँ कब वो इम्पोज कर सकते हैं, वो तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। वो तीन कंडीशन कौन कौन से हैं, रिमेंबर दीज पॉइंट्स, थ्री कंडीशंस, 1, 2 एंड 3। पहली कंडीशन इंडिपेंडेंट, दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक, ये क्या है इसका मीनिंग अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, सिमेट्रिक, एंड द थर्ड थिंग इज सिंक्रोनाइजेशन। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि द रैंडम वॉक शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड बी सिमेट्रिक, शुड बी सिंक्रोनाइज। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि एक रैंडम वॉकर जब चलेगा तो उसकी जो वॉक है वो दूसरे वाले की वॉक पर निर्भर नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों,
ठीक है। तो ये चीज़ हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर इंडिपेंडेंसी होगी दोनों के रैंडम वॉक्स के अंदर तो प्रोबेबिलिटी जस्ट दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स नेट प्रोबेबिलिटी शुड बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, ठीक है। फिर इसके बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द स्टेप टुवार्ड्स द लेफ्ट और टुवार्ड्स द राइट शुड बी इक्वल टू बोथ सेम, यानी दोनों के वैल्यू सेम होनी चाहिए हाफ के इक्वल। अगर ऐसा होता है हमारे पास कि एक केस में 3/2 है, दूसरे केस में हमारे पास सॉरी 3/4 है, एक केस में 1/4 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ मैं वो फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों की वॉक्स इंडिपेंडेंट है। सिमेट्रिक का मतलब हुआ यहाँ पर सिमेट्रिसिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी है टेकिंग टुवर्ड्स द राइट लेफ्ट अप डाउन सब क्या है सेम है, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब है, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक रैंडम वॉकर यहाँ पर है, स्टार्ट कर रखा है t=0 से चलना, और दूसरा रैंडम वॉकर भी t=0 से चलना उसने शुरू किया। अब जब दोनों चलेंगे ना तो दोनों की वॉक सिमिलर होनी चाहिए, मतलब अगर ये एक स्टेप उठा रहा है आगे तो ये भी उतना ही एक स्टेप आगे की तरफ उठाएगा, फिर ये एक स्टेप अगर पीछे जा रहा है तो ये भी एक स्टेप पीछे की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसको आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी। तो ये तीन कंडीशंस हैं वॉक करने की, ओके, इंडिपेंडेंट है, सिमेट्रिक है, तो ये दो कंडीशन तो लगभग क्वेश्चंस में मैच हो जाएगी। सिंक्रोनाइज्ड वाली जो कंडीशन है वो सीएसआर नेट जून 2023 के पेपर में मैच नहीं हो रही थी, इसलिए आप जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखें, बट ऐसा नहीं कि यहां से क्वेश्चन बन नहीं सकता है। अब आप ये देखेंगे जो सिंक्रोनाइज है ना और जो सिमेट्रिक है और जो इंडिपेंडेंट है, ऐसे केस में आप लोग रिलेटिव मोशन को कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मान के चल रहा हूँ चीज़ें। एक्चुअल में सिंक्रोनाइजेशन के केस में आप लोग रिलेटिव मोशन यानी एक का मोशन दूसरे के रिलेटिव में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना इस केस में, 1D के केस में जब सिंक्रोनाइज वॉक होगी तो रिलेटिव मोशन जिस समय हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में आप ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए जा रहे हैं एक बार में एट वन सिंगल टाइम, ठीक है। देखो मान लीजिए टाइम t=0 से t में इसने एक स्टेप लिया, तो इसने भी टाइम t=0 में कितना स्टेप लिया, एक स्टेप लिया। तो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं वन रैंडम वॉक अगर मान लेता हूँ मूविंग इन द वन डायमेंशन, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ड्यू टू द रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट बिकॉज देयर इज द सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन एट ए सिंगल टाइम शुड बी इक्वल टू 2n, कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले में आपने 2n से रिप्लेस करना है n जहां पर लिखा है, जहां पर n लिख रखा है उसको 2n से रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस दिस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला वुड बी 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहां से हो जाएगा हमारे पास में n फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, ये दोनों हाफ हाफ वैल्यू है दोनों की, यहां पर लिखेंगे हाफ एंड यहां से हमारे पास हो जाएगा देखो n/2 + n/2 कितना हो गया n हो गया, बट क्योंकि इस केस में n को हम 2n से रिप्लेस कर रहेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2n, ओके। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को फिर मैं ऐसा लिखूंगा, देखो p=2n factorial डिवाइड बाय n factorial का स्क्वायर एंड 2^2n, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये लो। अगर आपको ऐसा देता है कभी भी क्वेश्चन के अंदर कि टू रैंडम वॉक्स, या फिर ऐसा कह सकता है कि टू ड्रंक पर्संस मूव इन वन डायमेंशन सच दैट वॉक शुड बी इंडिपेंडेंट शुड बी सिमेट्रिक शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, अब यही फॉर्मूला सेम टू सेम टू डायमेंशन के लिए भी वैलिड रहेगा। टू डायमेंशन में सिर्फ एक चीज का चेंज होगा, यहां ये जो टू लिखा हुआ है ना ये फोर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज देर आर फोर डायरेक्शंस पॉसिबल इन केस ऑफ टू डायमेंशन, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दैट्स व्हाई, बाकी सब चीजें सेम। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस केस में हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड 4^2n, ये फॉर्मूला ये जो है ना याद रख लें, ये 2D के अंदर और ये 1D के अंदर, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं आपको करवाता हूँ, अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। दो रैंडम वॉक्स हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आता था टू रैंडम वॉकर्स वॉक साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम दी t=0 टाइम एंड आफ्टर टेकिंग 10 स्टेप्स दे फाइनली मीट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन सीएसआर नेट 2023 में पूछा गया था आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिंक्रोनाइज्ड वॉक नहीं दे रखी है। देखो अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं होती है ना तो आप फिर ये वाले दोनों फॉर्मूले अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपको जो जनरल मेथड होता है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का वो यूज़ करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा लेंदी तो है,
और इसीलिए 5 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका एक पेज तो देखो फिल आउट होगा उसमें, बट जनरल कॉन्सेप्ट वहां पर यूज हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हमें ऐसा दे रखा था कि दो रैंडम वॉकर्स हैं, एक रैंडम वॉकर दिस इज ए दिस इज बी। अब दे पता क्या रखा है कि जो ए है ना उसका स्टेप लेंथ 1 के बराबर है, मतलब ये ऐसा 1 स्टेप ले रहा है, और जो रैंडम वॉकर जो हमारे पास बी है ना ये 1 स्टेप जो लेगा इसके डबल लेगा क्योंकि इसका स्टेप लेंथ 2 के इक्वल दे रखा है, मतलब ये ऐसे जाएगा। ओके, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हमारे पास है और कहने ये लग रहा है कि क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड वॉक नहीं है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू वॉकर्स मीट आफ्टर टेकिंग टोटल 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स लेने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देन यू कैन नॉट यूज दीज टू फॉर्मूलाज। अब कैसे करेंगे आप लोग इसको, तो इसके लिए आपको देखो 4 नंबर ऑफ वॉक्स दे रखे हैं ना, बहुत सिंपल है इसके लिए तो। ठीक है, और इसीलिए दे रखा है उसने, तो देखो ए की वॉक और बी की वॉक। ठीक है, इसको हम लोग देखो यहां पर देखते हैं क्या क्या पॉसिबल चांसेस हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल चांसेस, देखो क्या क्या पॉसिबल चांस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि 4 राइट स्टेप ले और 0 लेफ्ट। ठीक है, फिर एक हो सकता है 3 राइट 1 लेफ्ट, 2 राइट और 2 लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद में 1 राइट और 3 लेफ्ट है ना, ये हो सकता है। ठीक है, लास्ट केस में 0 राइट और 4 लेफ्ट, ये केसेस बन सकते हैं भाई, ये केस बन सकते हैं ना 4 स्टेप्स में, और तो कोई केस नहीं बन रखा ना ए के लिए। तो सिमिलरली बी के लिए भी यही चांस पॉसिबल है, यानी कि वही सेम कहानी 4 राइट 0 L 3 R 1 L देन 2 R 2 L, ठीक है 1 R 3 L एंड 0 राइट 4 लेफ्ट। ये सेम कहानी इसके साथ भी है। ठीक है, ये सेम कहानी इसके साथ है, सेम कहानी इसके साथ है, बट अब क्योंकि यहाँ सिंक्रोनाइज्ड वॉक नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे यहाँ से। ए को उठाया आपने 4 राइट 0 लेफ्ट, अब उसको मैच करवाइए बी की किस कंडीशन के साथ वो मैच करे सच दैट दीज टू रैंडम वॉकर्स एक्चुअली दे मीट विथ ईच अदर। आप ऐसा कंडीशन यहाँ से देखें। चलिए अब जो है ना हम लोग मैच करवाएंगे, देखो एक काम करते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 डिनोट कर देता हूँ। अब एक काम कीजिए, 1 का A इनमें से किसके साथ मैच करना चाहिए, बी वाले के साथ, सच दैट कि ये हमारे पास में वॉक जो कर रहे हैं ना दोनों ए और बी, ये हमारे पास सेम जो है वो मीट कर जाए मतलब। तो देखो अगर हम लोग 4R और 0L कर रहे हैं ए के लिए, तो ए कैसे चला, ए हमारे पास इस प्रकार से चलेगा 1, 2, 3 और 4 है ना, ऐसे चल जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा 4 राइट लेते के साथ। अब बी के लिए आप देखें, अगर बी 4 राइट और 0 लेफ्ट ले लेगा तो कभी नहीं पहुंच पाएगा इस पॉइंट के ऊपर है ना, इस पॉइंट के ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएगा। फिर दूसरी कंडीशन ये है 3 राइट 1 लेफ्ट ले, तो देखो 3 राइट लेने के बाद अगर 1 लेफ्ट ले लेता है, यस ये कंडीशन मैच कर रही है। ठीक है, फिर से देखें, हमारे पास 3 राइट ले लिया, ठीक है, और 1 क्या ले लिया, लेफ्ट ले लिया, मैच कर रहा है। ओके, तो हम देख सकते हैं पहला जो है हमारे पास में 4 राइट और 0 लेफ्ट, ये 3 राइट और 1 लेफ्ट के साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड वॉक हो जाएगी फिर उसके, मतलब एक पॉइंट मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी कि अगर ए और बी इस प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसने ऐसे 4 स्टेप ले लिए, तो अब इस केस में देखो ऐसे 1 स्टेप लेगा यहां तक, ठीक है, और फिर इसके बाद ये 1 स्टेप लेगा, फिर अगला स्टेप लेने के बाद जब ये 1 लेफ्ट ले लेगा तो वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो P1 प्रोबेबिलिटी है ना ए वाले की, ये P1 प्रोबेबिलिटी ये बी वाले की P2 प्रोबेबिलिटी के साथ मैच हो रही है। ओके, तो दोनों क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये सिचुएशन आपकी बनेगी, एक केस तो ये पॉसिबल है, दिस केस पॉसिबल, और अब और के केस में प्रोबेबिलिटी में आप प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या इसके साथ और कोई कंडीशन मिल सकती है, 2 राइट 2 लेफ्ट लिए अगर इसने, तो देखो 2 राइट देन 2 लेफ्ट तो वापस ओरिजिन पे आ गया। नेक्स्ट है 1 राइट 3 लेफ्ट ले लिए, तो 1 राइट देन 3 लेफ्ट तो पीछे भाग गया। फिर है 0 राइट 4 लेफ्ट, तो 0 राइट मतलब एक भी राइट ले लिया, सारे लेफ्ट ले लिए, तो बहुत पीछे भाग गया है ना, तो बाकी सब में तो मैच नहीं किया ना, तो ये वाली कंडीशन इसके साथ मैच कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ P1 P2 आप मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले पे आ जाओ। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 राइट और 1 लेफ्ट, 3 राइट और 1 लेफ्ट है, ठीक है, अब इसको एक बार मैच करवा के देखते हैं। देखो नेक्स्ट है P2 के साथ क्या मैच करेगा, अगर ये 3 राइट लेता है इस प्रकार से, 3 राइट ले लिए इसने और 1 लेफ्ट ले लेगा, तो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ना, इस पोजीशन पर, या आप कह सकते हैं यहां पर इस पोजीशन पर। और बी वाले केस में आप देखिए, बी वाले केस में इनमें से कौन से वाले मैच करेगा सच दैट यहां पर आ जाए, यहां इस पॉइंट पर आ जाए, देखो कैसे होगा, ये ऐसे गया 1 2, ठीक है 3 4, ये मैच नहीं कर रहा, ये 4 राइट मैच नहीं कर रहा, 3 R ये भी मैच नहीं कर रहा, 2 R 2 लेफ्ट ये तो वापस ओरिजिन पे आ गया, 1 राइट 3 लेफ्ट तो 1 राइट और 3 लेफ्ट पीछे भाग गया, 0 राइट 4 लेफ्ट 0 राइट 4 लेफ्ट और पीछे भाग गया, मतलब इसके साथ कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही, नो कंडीशन विल मैच, नहीं लिखेंगे इसको।
मतलब अगर ए ने दो अगर ए ने तीन राइट और एक लेफ्ट स्टेप ले लिया ना, तो वो बी के साथ इनमें से किसी कंडीशन के साथ में मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसका प्रोबेबिलिटी इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, टू राइट टू लेफ्ट। देखो इसने क्या लिया, टू राइट लिया देन टू लेफ्ट लिया, कहां आ गया, ओरिजिन पे। अब इस पे देखो, इसने टू राइट लिए और फिर टू लेफ्ट ले लिया, ये भी ओरिजिन पे आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है ना, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, दैट मींस मैं ऐसा कह सकते हैं कि पी थ्री ए वाले का और बी वाले का भी पी थ्री दोनों आपस में क्या करेगा, मैच करेगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे मैं दोनों को सेम क्यों लिख रहा हूं, पी थ्री पी थ्री पी वन पी टू, बिकॉज प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम, इन दोनों केस में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, भले स्टेप लेंथ हमारे पास बदल रहा हो लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स पर प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है ना। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो तो आप देख सकते हैं, P3 P3 मतलब यहाँ पे P1 P2 P3 P4 P5 अगर आएंगे तो यहाँ पर भी वही वैल्यूज आएंगी, P1 P2 P3 P4 P5, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स आर एक्चुअली सिमिलर हेयर, दैट्स वाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट में, और अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ वाला केस। फोर्थ वाला केस है, एक राइट तीन लेफ्ट स्टेप लिए, तो देखो एक राइट और तीन लेफ्ट स्टेप, तो ये ऐसे लेगा तीन लेफ्ट स्टेप यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आप देखें इनमें से मैच करेगा किसी कंडीशन पर, ऐसे गया फिर ऐसे है, कभी मैच ही नहीं कर पाएगा, क्यों कभी मैच नहीं कर पाएगा, देखो ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि देखो ये तीन नंबर ऑफ स्टेप हो गए राइट लेफ्ट साइड के अंदर। अब लेफ्ट साइड में अगर तीन स्टेप हो गए तो ये कभी मैच ही नहीं कर पाएगा, इन चारों कंडीशन पांचों कंडीशन में देख लो आप बी साइड पे। ठीक है, नहीं लिखेंगे इसके लिए प्रोबेबिलिटी, जीरो, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि दोनों आपस में मीट कर जाएं इसके लिए। नेक्स्ट देखो, अगर जीरो राइट और फोर लेफ्ट ले लिए तो देखो अगर जीरो राइट लिए, एक भी नहीं लिया इधर की तरफ, और सभी के सभी क्या ले लिया हमारे पास में, फोर लेफ्ट ले लिए, तो फोर लेफ्ट लेने के बाद क्या केस बनेगा, देखो ए का बताओ पहले, ए का केस बनेगा कि ये वन टू थ्री और फोर यहां पर आ गया, ये ए के लिए कंडीशन बना। बी के लिए देखो, बी के लिए इनमें से कौन से वाले कंडीशन मैच करेगी, तो देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसे अगर आ गया वन देन टू देन थ्री देन फोर, हाँ हम मैच कर गया, देखो मैच कर गया, मतलब इसने तीन लेफ्ट और एक राइट लिया तो मैच कर जाएगा। देखें इसमें से कौन सा है, तीन लेफ्ट और एक राइट, हाँ ये वाला है पी फोर, तो इसमें जो पी फाइव है ए वाले का, ये बी वाले के पी फोर के साथ मैच कर रहा है, और बिकॉज दोनों के केस में प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है तो मैंने दोनों को क्या कर दिया यहां पर, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सभी केसेस को मैंने पॉजिटिव इसलिए किया है बिकॉज आइदर चांसेस आर पॉसिबल, आइदर दिस आइदर दिस आइदर दिस, ठीक है, इसलिए मैंने इन स्थितियों को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द नेट प्रोबेबिलिटी, दिस इज द नेट प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर टेकिंग द फोर नंबर ऑफ स्टेप्स दीज ए एंड बी शुड मीट विद द ईच अदर। ओके, तो अब इनका वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला आपको बता रखा है, पी इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एंड पी टू द पावर एन वन क्यू टू द पावर एन टू, सही बात है। ओके, अब आप एक बात बताइए जरा, पी वन अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे, इसका पी वन, ठीक है, इसका पी वन जो क्या है हमारे पास में, फोर राइट जीरो लेफ्ट है, तो एक बात बताओ क्या ये जो पी फाइव हमारे पास है ये सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बताओ एक बार जरा, पी फाइव, अरे पी वन ये वाली कंडीशन फोर राइट और जीरो लेफ्ट और जीरो राइट और फोर लेफ्ट, क्या ये पी वन और पी फाइव का वैल्यू सेम नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स तो हमारे पास कितने हैं, फोर हैं, एन वन और एन टू में से हमारे पास अगर इंटरचेंज हो भी जाएंगे तो कोई फॉर्मूले पर फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, अब देख लें एन वन एन टू अगर चेंज हो जाएंगे तो, मतलब राइट लेफ्ट स्टेप में इंटरचेंज होने से प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स पी वन और पी फाइव शुड बी सेम एंड इट्स वैल्यू विल बी फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय, आप देख सकते हैं जीरो एंड फोर, तो जीरो फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल एंड देन हाफ टू द पावर फोर एंड हाफ टू द पावर जीरो, बताओ जरा कितना आ गया, देखो ये सब कैंसिल आउट, ये भी गया ये भी वन हो गया है ना, तो वन की पावर वन अपॉन टू की पावर फोर कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया वन अपॉन में ये हो जाएगा फोर इंटू फोर सिक्सटीन है वन बाई सिक्सटीन, तो पी वन और पी फाइव का वैल्यू कितना है वन बाई सिक्सटीन, सिमिलरली औरों के लिए निकालें इसी प्रकार से, पी थ्री का वैल्यू बताएं जरा दिस इज अवर रिजल्ट, अब ये सारी वैल्यूज उठाकर यहां रख दो, देखो कितना आएगा पी नेट इज इक्वल टू पी वन पी टू, पी वन पी टू मतलब वन बाई सिक्सटीन इंटू फोर बाई सिक्सटीन मतलब फोर बाय, यानी मैं एक काम कर लेता हूँ ना, देखो यहाँ वन बाई सिक्सटीन है, एक काम करते हैं इसको सिक्स बाई सिक्सटीन लिख देता हूँ, तो ये वन बाई सिक्सटीन इंटू वन बाई सिक्सटीन है ना, इसको बाहर ले लेता हूँ मैं, ठीक है सभी में से बाहर आ जाएगा फिर, तो यहाँ से आएगा वन बाई सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन, और यहाँ से देखो अब देखो पी वन पी टू मल्टीप्लाई करना है दिस एंड दिस, तो फोर आएगा प्लस, बताओ फिर नेक्स्ट पी थ्री पी थ्री, तो दोनों को आपस मल्टीप्लाई करें 36 बाई 16 इंटू 16 तो बाहर ले रखा है 36 आ गया प्लस में, फिर नेक्स्ट है पी फाइव पी फोर, यानी पी फाइव पी फोर कहाँ चला गया, देखो पी फाइव ये रहा पी फोर ये रहा, सेम आएगा फोर ही आएगा ये भी, अच्छा कितना आ गया यहाँ से 44 डिवाइड बाई 16 इंटू 16 फोर पर कैंसिल आउट
ठीक है, 11, तो 11/64 हाँ आंसर है, 11/64 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये मेथड आपको अडॉप्ट करना है तब जब नॉन सिंक्रोनाइज्ड वॉक होगी या फिर एसिमेट्रिक वॉक होगी, क्योंकि सिमेट्रिक वॉक में तो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया कि 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 की पावर 2n, ये आप लोग यूज कर दें। और ऐसा नहीं है कि इस पर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आने वाले साल में बनेगा, देख लेना चाहिए, ठीक है। यह ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। टू ड्रंक पर्सन मूव रेंडमली स्टार्टिंग एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 टेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड बोथ, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आफ्टर टेकिंग 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स दे मीट विद ईच अदर, ओके। तो उसमें आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये वन डायमेंशन में दो रैंडम वॉकर समझ में आ गया होगा, और जो टू डायमेंशन है उसके अंदर भी दो रैंडम वॉकर मैंने आपको बता दिए हैं, और उसमें आप लोगों से बहुत कम चांस है जो आपके आपसे पूछे कि एसिमेट्रिक के केस में रैंडम वॉक में क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। क्योंकि फिर 2D 3D के केस में हमारे लिए पॉसिबल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है यूज कर पाना, ना फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इस केस में आप देख सकते हैं 1D केस ही दिया है। और 3D केस में आप ध्यान रखें, 3D 4D 5D ऐसे केस में तो रैंडम वॉकर अगर दो चल भी रहे ना तो वो मीट नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो ये ऐसा एक थ्योरम भी आता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, वो थ्योरम ये कहते हैं कि 3D 4D इन सब में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1D और 2D में ही रैंडम वॉकर जो है वो कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ में मीट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ओके। तो होप आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपको आज के लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।